क्या आपने कभी ऐसी दुनिया के बारे में सुना है जहाँ पर हमारा हीरो विलेम 500 साल बाद जागता है। एंड वो जब वो जागता है तब उसको पता चलता है कि यहाँ से तो मानवता खत्म हो गई और विलेम इस दुनिया में अकेला है या उसके जैसे और भी इंसान, वो हम जब जब कहानी में आगे बढ़ेंगे हमें पता चलता ही जाएगा। कहानी की स्टार्ट हमें रोज बताती है कि मुझे खुशी है तुमने वादा किया था कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस एहसास ने मुझे खुश कर दिया और तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे खुश करोगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्होंने मुझे खुश किया और तुमने उस खुशी को मेरे साथ साझा की, इसलिए मुझे यकीन है और इसमें इस दुनिया की सबसे खुश लड़की। इसलिए 28 लेमजार शडी। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो की एक बिल्ली का पीछा कर रही थी। तभी यहाँ पर विलियम होता है, वो देखता है की यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। साइड में हम विलियम को देखते हैं जो की अपने जैसे इंसान को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड। उस काली बिल्ली को देखकर पता चल रहा था की उस बिल्ली के पास उस लड़की का कुछ सामान है। हम देखते हैं की जैसे ही रोज बिल्ली को पकड़ती है, जो रोज होती है उसका पैर फिसल जाता है एंड वो नीचे गिरने लग जाती है। ये देखकर जो विलियम होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन विलियम को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी हालत बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो बिल्ली वहाँ से फिर से भाग जाती है, यहाँ तक कि वो एक इंसान है वहाँ के सभी लोगों को पता चल चुका था। यहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर होते हैं वो उसे गाली देने लग जाते हैं और इन ताने को सुनने के बाद जो रोज होती है वहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पर जो विलियम होता है उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसका बैच लौटा देता है, वो जो बिल्ली उसको लेकर भाग रही थी। इसके बाद जो विलियम होता है वो कहता है तुम तो यहाँ की आस पास की नहीं लगती हो। ये सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है हाँ। ये बात सुनने के बाद जो विलियम होता है जिस चीज से अपने वो सर छुपा रहा था वो रोज को पहना देता है और उसको भी इंसान देख कर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो विलियम होता है उस रोज का हाथ पकड़ कर एक सुनसान गली में लेकर आ जाता है, जहाँ तक कि विलियम ने उसको एक हेड भी दिला दी थी। इसके बाद जो विलियम होता है वो कहता है यहाँ का खाना खराब है और यहाँ की कोई स्पेशलिटी भी नहीं है, हमारे जैसे बिना दाँत वाले इंसान एंड बिना सींग वाले जितने भी लोग हैं उनका स्वागत नहीं किया जाता है, और तो और साइड की जगह को घूमने के लिए भी ये जगह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, तुमने यहाँ का बहुत ही मजा ले लिया है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बंदरगाह से तक ले जा सकता हूँ। इसके बाद जो रोज होती है वो कहती है कि तुमने जितनी भी मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया एंड तुम्हें उस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा उसके लिए मुझे माफ करना। मैं जानती हूँ कि मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं माफी मांगती हूँ दिल से। इसके बाद जो विलियम होता है वो कहता है क्या कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। ये सुनने के बाद वो सामने की तरफ देखती है। इसके बाद इनका सफर यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस सफर में इनके साथ बहुत परेशानी आई, लेकिन उन्होंने इनका सामना भी किया एंड इस सफर में इन दोनों ने एक साथ काफी समय बिताया एंड एक दूसरे की मदद भी की एंड उन्होंने काफी मजे भी किए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ सफर तय करने के बाद वो अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी यहाँ पर जो विलियम होता है वो कहता है तुम ये देखना चाहती थी। जिसके बाद रोज होती वो कहते हैं कि मैंने स्काईलिश आइलैंड को बहुत दूर से देखा है, लेकिन मैंने किसी भी सिटी के सेंटर में जाकर इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा है, तो मैंने सोचा एक से एक बार तो देखना ही चाहिए। अब मेरा सपना भी पूरा हो गया है, इसके साथ साथ मैंने कुछ अच्छी यादें भी बना ली हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब मेरा कोई भी पछतावा नहीं है और आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद विलियम होता है वो कहता है क्या ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं। इसके बाद जो रोज होती है वो कहते हैं कि आज का काफी ज्यादा शानदार दिन था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद जो रोज होती है वो कहते हैं क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आज के लिए, क्या तुम मुझे भूल सकते हो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है मुझे किसी के मामले में ज्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर विलियम क्लीग से बात कर रहा था। काफी दिन हो गए मिले हुए, क्या अनारा ठीक है। ये सुनने के बाद जो ग्रेक होता है वो कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पिछले महीने गड़बड़ हो गई, डार्क हार्ट की मौत हो चुकी है, साथ ही जिस सर हमने डिसाइड किया था कि इस वीक हम ट्रेजर की तलाश करने के लिए जाएंगे और मैंने कहा था ना सब ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक मस्त काम, ये काम मिलिट्री के लिए है और ये काम के लिए किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, और उन्होंने कहा कोई स्पेशलिस्ट हो या ना हो लेकिन वो बंदा भरोसेमंद होना चाहिए। ये सुनने के बाद विलियम होता है वो कहता है नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर ये ग्रीक होता है वो कहता है मुझे लगता है कि बिना सिंह वाले यहाँ पर किसी को लोग पसंद नहीं कर रहे, और तुम नहीं चाहते हो क्या कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसी नौकरी हो जो कि तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। तभी यहाँ पर जो विलियम होता है वो कहता है सुनो क्या तुम मेरी बाहरी हो का भी मदद कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ। ये सुनने के बाद जो ग्रीक होता है वो कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम एक ऐसे शहर में रहना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें कोई भी लोग पसंद नहीं करता और एक ऐसी जिंदगी जीने से भी मूल का नहीं है, तुम अपने आप को सिर्फ सांत्वना दे रहे हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं चाहता हूँ कि तुम इन आसमान के सम्मानित रूप से रहो, जो कि उनका मरना तुमसे काफी कुछ कह देता है और तुम्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो इसलिए तुम अभी जानते हो तुम एक ऐसी ही नौकरी करो और तुम पैसे कमाओ और तुम अपनी इस कर्ज वाली जिंदगी को खत्म करो, जाओ तुम अपनी कर्ज वाली जिंदगी को खत्म करके नई जिंदगी जियो।
इसके बाद यहाँ पर सीन खत्म होकर वेन फ्रेंटियन आइसलैंड पर सीन सब हो जाता है। यहाँ पर विलियम पहुंच चुका था। विलियम यहाँ पर पहुंचते ही कहता है, क्या ये वही आइसलैंड है जहाँ पर वेयर हाउस है? काश यहाँ पर वुल्फ ना हो, क्योंकि मेरे पास मेरी पावर भी नहीं है। और ये ब्रिज काफी हद तक टूट रहा है, और उसी बीच इसको महसूस हो जाता है कि कोई तो इसके ओर आ रहा है। पर यहाँ पर एक लड़की थी जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो विलियम होता है उसके अटैक से हर बार बच रहा था। तभी उसके अटैक करते टाइम ब्रिज टूट जाता है एंड वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। नदी में गिरने के बाद वो लड़की फिर भी उसके ऊपर अटैक करती जा रही थी, तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। इसी के साथ रोज आते के साथ ही कहने लगती है, वेनिवा तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो, और तो और तुम यहाँ पर भाग नहीं सकती। ये सुनने के बाद मैंने यहाँ पर एक सस्पिशियस बंदे को पकड़ लिया है। ये देखने के बाद जो रोज होती है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और उससे भी ज्यादा हैरान तो विलीप ही होता है। तो यहाँ पर जो विलीप होता है वो कहता है कि देखिए रोज, मेरे पास काफी सारे सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम उससे पहले मेरी मदद कर सकती हो? ऑरलैंड मर्चेंट गिल्ड वेयर हाउस 4। जहाँ पर विलियम फ्रेश हो रहा था तभी खटखट की वहाँ पर आवाज आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर तो एक लड़की होती है, जहाँ पर वो लड़की उसको पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं तुमसे काफी दिन से नहीं मिली विलियम, सीक्रेट वेब पर वेयर हाउस पर तुम्हारा स्वागत है। अरे क्या तुम कुछ लंबे हो गए हो? उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या ही कर रही हो? ये सुनने के बाद जो कैरन होती है वो कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं लगता ये वेयर हाउस मेरा है? ये सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है कि तुमने मुझे कहाँ पहुँचा दिया ग्रीक। इसके बाद हमें उसके रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां थी एंड वो सभी बातें कर रही थी कि लगता है विलियम कुछ देर पहले ही सो गया है। इस बार दूसरी लड़की होती है वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी इंसान नहीं देखे है। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो विलियम होता है वो गेट खोल देता है। इसके बाद जो विलियम होता है उनकी बात सुनने के बाद वो कहता है, थोड़ा शांत रहो, कैरन तुम्हारी बातें शायद सुन सकती है। इसके बाद जो विलियम होता है वो कहता है, वैसे तुम लड़की कौन हो? उसके बाद दूसरी लड़की होती है वो कहती है, तुम्हें वो उस तरीके से नहीं सुन सकती है, और मैं लकेश हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना, मुझे अब तुम्हारे नाम याद रहेंगे। ये सुनने के बाद जो कॉलन होती है वो कहती है कि आपका नाम क्या है एंड आप कहाँ से हैं? तभी सारी लड़कियां उससे पूछती हैं कि तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है एंड ऐसा कौन सा खाना है जिसे तुम खा नहीं सकते हो। तभी यहाँ पर जो वेनिवल होती है वो बीच में आकर बोलती है, सभी सवालों में से आप किसका आंसर देंगे? इसके बाद जो विलीप होता है वो कहता है, सबसे पहला सवाल जिसका मैं जवाब दूंगा वो तुम्हारा है, मुझे मसालेदार मीट पसंद है और रेफ्रेश के खाने के साथ ये अच्छा नहीं है। और बात रही कैरन के साथ मेरे रिश्ते की, तो एक ऐसा है कि एक खोए हुए भेड़ एंड एक किसान के बीच में जैसा उनका रिश्ता होता है वैसा ही तुम समझ सकते हो। आइसलैंड 28 पर था एंड मेरा नाम विलियम है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय तक मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो थिया होती है वो कहती है, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर रह रहे हो? ये सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है, मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा ही है। तभी लकेश ने कहा कि कोई भी मिलिट्री वाला बंदा यहाँ पर नहीं रुकता है। ये बात सुनने के बाद विलियम होता है वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया। पर कैरन का कहना है वो आगे कुछ कह पाती, लेकिन तभी वहाँ पर रोज यहाँ पर कहने लगती है कि तुम सारी लड़कियां यहाँ पर क्या ही कर रही हो, क्या तुम्हें उसे अकेला छोड़ने के लिए नहीं कहा था? ये सुनने के बाद जो कॉलन होती है वो कहती है कि जिज्ञासा हम पर हावी हो गई थी। ये सुनने के बाद जो थिया होती है वो भी एग्री करते हुए कहती है कि हाँ ये बात सही है। तभी यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं बताया गया? ये बात सुनने के बाद वो सारी लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं डर के। तभी रोज विलियम से कहती है कि मुझे माफ कर देना इन शोर मचाने वाले बच्चों की तरफ से। जिस पर जो विलियम होता है वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बच्चों से बात करना पसंद है। ये बातें सुनने के बाद जो रोज होती है कहती है, मुझे यकीन है तुम उन्हें बिगाड़ ना दो, वेलीवल ने तो मैं उस समय पर अटैक किया था, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है, अरे मैं उसकी बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, उसके तुरंत बाद मैंने गर्म पानी से नहा लिया था तो इसलिए मुझे सर्दी नहीं हुई। इसके बाद जो रोज होती है वो कहती है कि मेरा नाम रोज है एंड मुझे पता है कि अभी ज्यादा देरी हो गई है, वैसे हमने सिटी में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। तभी यहाँ पर जो विलीप होता है वो कहता है, ठीक है मेरा नाम विलीप है, नाइस टू मीट यू। ये सुनने के बाद जो रोज होती है उसे गुड नाइट बोलकर वहां से जाने वाली थी, तभी यहाँ पर जो विलीप होता है उसे रोकता है। इसके बाद जो विलियम होता है वो कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा काम स्पेशल वेपन की निगरानी के लिए भेजा गया है, और यहीं पर वो हथियार है जहाँ पर वेपन रखे जा रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी वेयर हाउस जैसा नहीं दिखता, और मुझे प्रॉप हथियारों की भी कोई झलक नहीं दिखी है, लेकिन खैर मैं उन सवालों को बात के लिए भी रख सकता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो, और तो और मिलिट्री फैसिलिटी में बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है कि क्या ये सब जाने बिना ही यहाँ पर आ गए? चलो इसका तुम्हें आंसर देती हूँ, पहले वाली का आंसर सेकंड है, और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है पहला सवाल, और जो तुम जिस वेपन की देखभाल करोगे वो मैं हूँ, तो हम कल ही मिलेंगे, उसके लिए बाय बाय। ये सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है, क्या? इसके बाद जो रोज होती है वो कहती है कि तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कहती हूँ वही है, हम वो स्पेशल वेपन है जिसका उल्लेख तुमने पहले ही किया था। और यही बात विलियम सोच रहा था तभी यहाँ पर उसी टाइम पर कैरन आ जाती है। मैं एक बंदे से तुम्हें सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, ये है सेकंड ग्रेड के टेक्निकल ऑफिसर विलियम है, और ये आज से हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन उन सबका इस बात पर कोई भी असर नहीं था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो विलियम होता है उन लड़कियों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नेक्स्ट सीन में कैरन को हमें दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है, यहाँ के बच्चे आदमियों के आसपास रहने की बिल्कुल भी आदी नहीं है, इसलिए वो नहीं जानते हैं कि किसी के साथ बातचीत कैसे करते हैं। जिसके बाद जो विलियम होता है वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं हर दिन उन्हें भयभीत रहने के लिए नहीं कह सकता।
ईमानदारी से कहूँ तो ये निराशाजनक है। तभी वहाँ पर लिथिया आ जाती है। तभी यहाँ पर वो कहती है, मैं समझती हूँ तुम्हें छोटी लड़कियाँ पसंद है ना विली, अरे उसकी चिंता तुम मना करो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। और साथ ही साथ नेफ्रिन भी तो है, और जिसके मेरी सिफारिश की, फ्रेश चेहरे वाली और मोड़ी, जिस पर जो विलेप होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है वो रोज है ना। जिस पर ये बात सुनने के बाद जो लिथिया होती है वो कहती है, तुम करीब कर पा गए। उसकी ये बातें सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है, इसे यहीं पर बंद कर दो लिथिया। इसके बाद जो विलेप होता है वो कहता है, मुझे तुम तीनों और वो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा ही पसंद है। ये सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है, क्या तो मुझे उन बच्चों के साथ मिला रहे हो। जिस पर जो विलेप होता है वो बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी एज ज्यादा नहीं है। जिस पर ये बातें सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूं, मैं पूरे 15 साल की हूँ। दूसरी ओर लिथिया कह रही थी, सवाल ये है कि क्या ये ऑफिसर के एरिया में आता है। इसी बीच जो विलेप होता है वो धीरे से बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं छोटे बच्चों को अपनी ओर ही कर लूं। ये सुनने के बाद जो कैरन होती है वो कहती है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम तड़पते हुए बहुत अच्छे लगते हो और ये बहुत ज्यादा टेस्टी था। ये सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। उनकी इन सभी को हरकतों को देखकर जो विलेप होता है उसको एक आइडिया आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो विलेप होता है वो कुकिंग कर रहा था। एंड तभी यहाँ पर जो लिविया होती है वो कहती है, एक आदमी जो घर का सारा काम कर सकता है ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। तभी यहाँ पर जो विलेप होता है अपने द्वारा बनाई गई एक डिश को रोज को टेस्ट करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर जो रोज होती है वो मना कर रही थी। ये सुनने के बाद जो विलेप होता है वो अपनी डिश को नेफ्रिन को टेस्ट करने के लिए कहता है एंड वो टेस्ट भी कर लेती है, जो उसको काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। इसके बाद हमें देखा जाता है जो विलेप होता है उसने बच्चों के लिए काफी ज्यादा प्रोटीन तैयार कर ली थी एंड वो सारी लड़कियां इसे खाकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही। ये देखने के बाद जो कैरन होती है वो कहती है कि विलेप तुम बदल गए हो, पहले तुम अलग अलग तरीके से पागल की तरह लगते थे। और ये कहने के बाद जो पूरा बच्चों का पलटन होते हैं उसी के ऊपर ही कूद जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज सफाई कर रही थी। यहाँ पर जो रोज होती है वो विलेप से कहती है कि तुमने कहा था कि उन्हें घुलने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे लिए उल्टा पड़ रहा है। इसके बाद जो विलेप होता है वो कहता है कि इन सब चीजों को छोड़ो, मेरे साथ सफाई करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया एंड तुम काफी शानदार हो। इसके बाद हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बॉल खाई में की ओर जा रही थी एंड उसका पीछा करते करते एक लड़की भी उसी खाई में गिर जाती है। ये देखने के बाद जो विलेप होता है तुरंत ही उसके साथ जाता है एंड उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। उसकी बातें को सुनकर जो अलमीरा होती है उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी ऐसी हालत को देखकर जो विलेप होता है वो कहता है, तुम बिल्कुल भी हिलना मत। तभी यहाँ पर उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं, अलमीरा जल्दी से बॉल को हमारे साइड फेंको। पर जो अलमीरा होती है उस बॉल को लेने के लिए जाने लगती है। उसको ऐसा करते देख विलेप काफी ज्यादा हैरान था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो कैरन होती है वो कहती है कि तुम्हें लगता है कुछ कहना है। इसके बाद जो विलेप होता है वो कहता है कि इसका एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ, मुझे लगता है कि बच्चों को अपनी बिल्कुल भी जान की परवाह नहीं है। पर विलियम ने कहा, हाँ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आखिर वो लड़कियां कौन है और वो क्या है। ये सुनने के बाद जो कैरन होती है वो बताती है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें ये चीजें बताना नहीं चाहती, क्या तुम सच में जानना चाहते हो। अगर तुम एक बार उन्हें ऐसा जान लोगे तो तुम्हारा नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा एंड मुझे नहीं लगता जो अब तुम्हारा प्यार अभी उनके लिए है वो बाद में रहेगा। और तुमने काफी दिनों से उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है, पहले तो थोड़ा ये डरावना लगता था लेकिन अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर संभव हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम चीजों को कुछ टाइम तक ही ऐसा रखो। ये सुनने के बाद जो विलेप होता है वो कहता है, ठीक है अब मुझे तुम बताओ। ये सुनने के बाद जो कैरन होती है वो विलेप को एक जगह पर ले जाती है। कैरन विलेप को कहीं ले जाती टाइम बोलती है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें 17 बीस्ट के बारे में, जो कि 500 साल पहले इंसानों ने ही बनाया था। मेरा मतलब एनमेट बीट, लगभग 500 साल पहले बीट ने एनमेट बीट को सभी सतह सभी लाइफ को लगभग खत्म ही कर दिया था। आज तक उनके डर में हर कोई इंसान जी रहा है। हम उस बीट से कैसे लड़े इसका जवाब इस दरवाजे के पार है। इसके बाद हम उस कमरे को देखते हैं जहाँ पर बहुत अजीबोगरीब शॉट रखी थी एंड वहाँ पर कुछ शॉट तो गायब ही थी, जिन्हें देखकर विलियम कहता है, क्या ये कैरलॉन्स है। इस पर जो कैरन होती है वो कहती है कि 17 बीस से लड़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है और इन शॉट का नाम है इंसिनिया, इग्नोरियो और पार्श्रीपर। इनका नाम याद करने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है, ये वही शॉट है जिनका उपयोग चुनिंदा एनिमे बीट ही कर सकते हैं। अब एनिमे बीट्स के चले जाने के बाद अब कौन लड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कैरन होती है वो कहती है, तुम उन लड़कियों के बारे में पहले ही जानती हो, वे लड़कियाँ लेब्रिकॉन्स हैं, वो फेरी जिन्होंने एशियन टाइम से ही एनिमेट बीस्ट की नकल की और वो एनिमेट वेपन का यूज एनिमे बीस्ट की तरह ही कर सकती हैं और उनके शरीर को वॉर में लड़ने के लिए ही बनाया गया है। साथ ही साथ वो मौत के भय को भी नहीं जानते हैं। तुम जानना चाहते थे ना वो लड़कियाँ कौन है, अब तो तुम जान ही चुके। ये सुनने के बाद जो विलियम होता है कहता है, अच्छा ये बात है, तो क्या ये बताओ वो लड़कियां क्या तुम्हारी पार्टनर है। अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलियम नेफ्रिन से कह रहा था, रोज एंड लिथिया कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जो नेफ्रिन होती है वो कहती है कि वो तो बाहर गए हैं। ये सुनने के बाद जो विलियम होता है थोड़ा चिंतित हो जाता है, वो कहता है कि और वो कई दिनों तक वापस नहीं आएंगे। आउटपुट मैजिक यूज करने वाले की लाइफ पावर इनवर्सली आउटपुट प्रोपोर्शनल होती है, वो ज्यादा दिन तक जीना भी चाहे तो भी वो नहीं जी सकती है और जिन्हें अपनी लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है वो इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है, पर ये सारी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और इनकी वजह से भयंकर विस्फोट होगा। इसके बाद हमें लिथिया को दिखाया जाता है जिसके कंधों पर रोज होती है। वो विलियम को देखकर कहती है, तुमसे मिले काफी समय हो गया है।
और यहाँ पर जो विलियम होता है उनकी ऐसी हालत को देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? लिथिया होते हुए कहती है, हाँ हम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रोज है वो थोड़ा थक गई है, इसलिए वो रेस्ट कर रही है। हालांकि यहाँ पर मिलने का हमें मन तो कर रहा है, क्या हम वॉक पर चल सकते हैं? इसके बाद जो विलियम होता है वो कहता है कि कैरन ने मुझे बताया कि तुम आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। एंड तुम 17 बीस लड़ रहे थे ना? एक बीस्ट विलियम से कह रहा था इस वेपन को वापस लौटा दो, ये वेपन उनका है जो इनका इस्तेमाल कर रहे थे, एंड वो सभी लोग फाइट में मारे गए, इसलिए वो बीस्ट होता है वो विलियम को इन वेपन को वापस रखने के लिए कह रहा है। इसके बाद हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज को होश आ गया था और उसके कमरे में विलियम को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या ही कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है, अभी के लिए तुम मेरी पेशेंट हो, सो इसलिए तुम ज्यादा जोर ना डालो, और साथ ही में मैं तुम्हारा केयर टेकर हूँ तो मुझे कुछ तो चिंता करने दो। यहाँ पर जो रोज होती है वो कहती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे मेरा कोई चिंता करने वाला हो चाहे ना हो, वैसे भी मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो रोज होती है उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद जो रोज होती है वो कहती है, क्या तुम्हें पता होता कि मैं 5 दिन में मरने वाली हूँ तो क्या तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते? ये सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम साफ साफ कहो। ये सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहते हैं कि 5 दिन में इसलैंड 50 एक ब्लास्ट में खत्म होने वाला है, लेकिन बीस्ट उड़ नहीं सकते, लेकिन टाइमर को समय के लिए अपने शरीर के हिस्से को उड़ा सकता है। ये सुनने के बाद जो विलियम होता है कि वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कहने वाली हो कि 5 दिन में इसलैंड 50 खत्म होने वाला है। तभी यहाँ पर जो रोज होती है वो कहते हैं कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं जानती हूँ आने वाले समय का मुकाबला हमारे नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है, अपनी जान की कीमत इससे तुम बाहर निकल सकती हो। इस बात को सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है, अपने आप को उड़ाने के लिए सिनी प्रेस का यूज कर सकती हूँ तो मैं इसे मुश्किल से ही डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, तो ये कितना भाग्यशाली है कि किसी और को नहीं मानना पड़ेगा। वो कहती है कि मेरी एक लाश वैसे है, क्या मैं तुमसे किस मांगू तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? जो विलियम होता है वो कहता है कि 5 दिन बचे होने के बाद तुम मुझसे ये मांग रही हो, अभी तुम बच्ची हो तो तुम ऐसा करने की कोशिश ना करो जो तुम नहीं कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद जो रोज होती है वो कहती है कि जाने से पहले अच्छी यादें समेटना क्या ये बुरी बात है? मैं मानने वाली हूँ तो किसी के दिल में अपनी जगह छोड़ना तो क्या ये बुरी बात है? अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं रो दूंगी। बच्ची जैसी हरकतें करने के बाद जो विलियम होता है हार मानकर उसके माथे पे किस कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसकी पीठ की मालिश करने लग जाता है। एंड यहाँ पर जो विलियम होता है वो सोचता है, जहाँ पर रोज कह रही थी कि सबसे ताकतवर वेपन के साथ सबसे पावरफुल बहादुर सबसे पावरफुल शॉट के साथ, और वैसे भी तुम्हारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे मेरा मानना तो ये है कि विलियम फ्यूचर देख रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो विलियम होता है वो कह रहा था, क्या किसी ने इस गड़बड़ी को सुधारने की बात नहीं की? तब वहाँ पर नेफ्रेन कॉफी को लेकर आ जाती है एंड वो दोनों एक चुस्की मारते हुए बातें कर रहे थे। वो दोनों कॉफी की चुस्कियां मारते हुए वो कहती है कि तुम मुझे सिर्फ रैन बुलाओ, जिस पर जो विलियम होता है वो कहता है, इस कॉफी के लिए थैंक यू रैन। इस पर जो रैन होती है वो कहती है कि तुम इतनी देर से यहाँ पर क्या ही कर रहे हो? ये बात सुनने के बाद जो विलियम होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे स्टार्ट के रिकॉर्ड को ढूंढ रहा हूँ, मुझे स्टार्ट की फ्रीक्वेंसी एंड टाइम के साथ थोड़े डिस्टेंस की जरूरत है। इसके बाद हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं पहलू को याद कर रही थी। वो कहती है कि अगर मैं 5 दिन जिंदा होती क्या तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते? इसके बाद यहाँ पर जो रोज होती है वो भी पल याद करती है जहाँ पर वो विलियम से किस मांग रही थी, और इस पल को याद करते टाइम रोज यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। सो गाइस, हमारा यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना, और कमेंट में लिख दो पार्ट 2 तो मैं जल्दी से जल्दी लगा दूंगा।